कोर्ट का एक और फैसला जरा उसको सुन लीजिए, वो आपके काम आएगा। लोक अदालतें लगती है, उसमें आप लोग जाते होंगे। लोक अदालत आर नॉट कोर्ट्स, देयर सेटलमेंट डिग्रीज नॉट वैलिड सुप्रीम कोर्ट। अब काहे के लिए वैलिड नहीं है? लोक अदालत में क्या होता है, बोले लोक अदालत लग रही है, सबके एक साथ आ जाओ फैसले, बिजली का बिल है, फलाना बिल है, ठिकाना बिल है, आप लोग वहाँ जाते हो, तुरंत पूछते हैं, हाँ भाई बोले 7,000 का बिल है, क्या करना है? आपने बोला साहब उसमें 1,000 रुपये की पेनल्टी, वो हटा दीजिए, तो हम बिल भरते, बोले 7,000 भर रहे हो, बोले तुरंत भर दो, फैसला दे दिया। ये हो गई लोक अदालत, बड़े फास्ट फैसले होते हैं, तुरंत होते हैं आमने सामने। वहाँ भी पूछ लेते हैं 7,000 के 6,000 भर रहा है, मंजूर है? सामने वाला बोलता है हाँ मंजूर है, ठीक है मामला निपटाओ। दिस इज लोक अदालत, मतलब एक तरह से एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है, है ना? तो समझौते वाला रास्ता होता है लोक अदालत में। अब लोक अदालत का जो डिग्री है नॉट वैलिड, डिग्री नॉट वैलिड का मतलब ये नहीं कि लोक अदालत की डिग्री वैलिड नहीं, नहीं, लोक अदालत की डिग्री पूरी वैलिड है, लेकिन उसको बतौर आप जुडिशियल एडजुडिकेशन के तौर पर या बतौर प्रेसिडेंट के तौर पर आप उसको नहीं लागू करवा सकते, वो नहीं माना जाएगा, प्रेसिडेंस नहीं माना जाएगा किसी भी लोक अदालत के फैसले का। अब ये कब आया हुआ कि नोएडा का केस था 1983 में, विलेजर 1983 में विलेजर्स जो गांव वाले थे उनको मुआवजा दिया गया, किसी ने भी उसके विरोध नहीं किया, सबने मुआवजा चुपचाप ले लिया। एक व्यक्ति था जिसने मुआवजा नहीं लिया और बाद में 30 साल बाद 1984 में 20 रुपये का रेट दिया गया था, है ना, पर स्क्वायर यार्ड 20 रुपये गज का। और उसके बाद 30 साल बाद ये केस आया, तो जो जिस भी व्यक्ति जो व्यक्ति था उसने 2016 में, सोचिए 84 से 2016, है ना, तब जाकर 2016 में उसने फाइल किया कि बोले साहब मुझे मुआवजा नहीं मिला, मुझे मुआवजा नए रेट से चाहिए। तो लोक अदालत ने दोनों के बीच मध्यस्थता कराई और 297 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का फैसला हुआ कि इतना तुम्हें दिया जाएगा। अब जब एक को मिला तो बाकी गांव वालों के भी, गांव वाले डेढ़ श्याणे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो गांव वाले बोले यार हमको भी मिलेगा, सारे के सारे पहुंच गए, उसको मिला तो हमको भी दो। तब कोर्ट ने कहा नहीं, आप पहले ले चुके हो, उसको 30 साल बाद मिला है। दूसरी बात, लोक अदालत का फैसला कभी भी इस प्रकार से लागू नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंस बन जाए कि आपको भी उससे रिलीफ मिले, नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल सही निर्णय है, अगर आपको नहीं लेना था तो आप उस समय नहीं लेते, आपको भी 297 का मिलता है ना।